Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you about a subsection of unit 2. Unit 2 is from block 1, MPCE 013, that is MAPC second year clinical psychology students. This video is for you guys. I have already made two videos where I had completed insight psychotherapy. Under which in first video you will get about psychoanalysis and analytical psychology. In second video you will get about existential therapy, person-centered therapy and evaluation of insight therapies. And today's topic is about behavior therapies and gestalt therapy. These two topics we are going to complete in today's video. For your kind information, I would like to tell you that all the videos related to this unit, you will get their link in the description section. Kindly check the description section for the videos. So ab jaisa ki maine aapko bataya ki sare topics mein inke links, jo bhi videos is unit se related hain, wo main description section mein dal deti hu. Aap check kar le. Agar aapko nahi milta hai तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ. और इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे फ़ायदे की तो बात है ऑफकोर्स, लेकिन उससे ज़्यादा दूसरों को फ़ायदा है इस चीज़ से, क्योंकि अपने भारत देश में जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं, सारे स्टडी सेंटर्स में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है स्टूडेंट्स को. कई जगह पे तो क्लासेस तक नहीं लगती. सो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, उनको कोई टॉपिक नहीं समझ आता, तो कोई समझाने वाला भी नहीं होता. इसी इंटेंशन से मैंने ये चैनल शुरू किया है कि सबको फ़ायदा हो. और एक और चीज़, Kindly press the notification bell. एक घंटी सी बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप देखेंगे जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है उसी के आसपास आपको वो एक बेल का आइकन दिखाई देता है, घंटी जैसा आइकन, आप उसको प्रेस जरूर कर दें. अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो आप एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से रीसब्सक्राइब करें एंड देन नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, उससे ज़रूर हो जाएगा. क्योंकि जब मेरे लाइव सेशंस होते हैं तो मैं सडनली आती हूँ विदाउट एनी इंटीमेशन, सिंस आई हैव सम टाइम कॉन्स्ट्रेंट. मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ. सो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टाइम पे आपको बता नहीं पाती कि मेरे लाइव सेशंस कब हो रहे हैं. सो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि मैं लाइव आई हुई हूँ, और आप ही को आसानी होगी, और आप मुझसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, और मैं आपको रेस्पॉन्ड कर सकती हूँ. सो यही एक आइडिया था. नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर थेरेपीज. बिहेवियर थेरेपी क्या होती है? नाम से पता चलता है, ऐसी थेरेपी जो यूज होती है बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए. किस तरह के बिहेवियर को? प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को. ऐसे बिहेवियर जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ना हो, या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर ना हो, या फिर हमारे जान पहचान के किसी के अंदर वो बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए जो थेरेपीज यूज की जाती हैं, उन थेरेपीज़ को हम बिहेवियर थेरेपीज़ के नाम से जानते हैं. और ये जो थेरेपी होती है, ये लर्निंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि हम चीज़ें लर्न और अनलर्न दोनों कर सकते हैं. कई चीज़ें हम भूल सकते हैं, कई चीज़ें हम याद कर सकते हैं. तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ख़ास तौर से ऐसी प्रॉब्लम्स जो मेजर बिहेवियरल कंपोनेंट नहीं है, वो इस मॉडल में शामिल नहीं होती, उनको हम ठीक नहीं कर सकते. मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जिसमें बिहेवियर इन्वॉल्व नहीं है मेजर वे में, उन प्रॉब्लम्स को इस बिहेवियर थेरेपी की हेल्प से हम ठीक नहीं कर सकते हैं. हम उन प्रॉब्लम्स को ही ठीक कर सकते हैं जिसमें मेजर प्रॉब्लम बिहेवियर की ही होती है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की वजह से आती है, उसको हम ठीक कर सकते हैं. जो बिहेवियरिस्ट हैं वो इस बात से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते कि हम रूट कॉज ढूंढें, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ढूंढें उसके पीछे, उस डिसऑर्डर के पीछे. हम उसकी जड़ तक नहीं जाना चाहते. बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि माइंड जो है वो एक ब्लैक बॉक्स है, सो हमें उसके बारे में पता नहीं करना है. इनसाइट जो थेरेपीज हमने अभी तक पढ़ी, उसके ऊपर जितने भी हम प्रीवियस दो वीडियोज़ मैंने बनाए थे वो इनसाइट थेरेपीज के थे. उन वो बेसिकली क्या करती थी, वो सिम्टम्स के पीछे क्या कारण है उसके ऊपर काम करती थी. मतलब प्रॉब्लम को जड़ से निकालने की कोशिश करती थी, और अंदर क्योंकि प्रॉब्लम है इस वजह से बिहेवियर ऐसा है, ऐसा इनसाइड थेरेपीज मानती है. जबकि बिहेवियर थेरेपी सिर्फ सिम्टम को
ही प्रॉब्लम समझ के उसको डील करती है। मतलब बिहेवियरल थेरेपी में बेसिक प्रॉब्लम बिहेवियर है, बिहेवियर का कॉज नहीं है। तुम ड्रिंक करते हो तो हम तुम्हारी ड्रिंकिंग की हैबिट छुड़ाएंगे। हम ड्रिंकिंग क्यों करना शुरू करी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये होता बिहेवियरल थेरेपी। इनसाइड थेरेपी क्या करती है? इनसाइड थेरेपी ये करती है कि आप ड्रिंक करते हो तो ड्रिंकिंग के पीछे कारण क्या था, उस कारण को हटाने की कोशिश करेंगे। सो ये डिफरेंस होता है इनसाइड थेरेपी में और बिहेवियर थेरेपीज में। नाउ थ्री इंपॉर्टेंट जो एजम्पशंस है बिहेवियर थेरेपी के, वो क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। नंबर वन, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। जो भी हमारा बिहेवियर होता है हम उसको सीखे हुए होते हैं, हमने कहीं देखा होता है और हम उसको सीख जाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है। यानी कि कोई अगर ड्रिंक करता है तो उसने किसी से सीखा, उसने किसी को देखा ड्रिंक करते हुए, तभी तो वो सीखा है ना कि उसको ड्रिंक करना, या उसको बचपन में सपना आ गया कि भाई मुझे तो ड्रिंक करना है और जाके ड्रिंक करने लगा। ऐसा नहीं है, उसने किसी को, उसकी संगत ऐसी हुई, उसने किसी को देखा आसपास के इंसान को, एंड देन दैट पर्सन लर्न्ड कि मुझे ड्रिंक करना है। दूसरा इसका एजम्पशन ये होता है कि लर्निंग बिहेवियर कैन बी अनलर्न। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी चीज़ जो आपने सीखी है उसको आप भूल भी सकते हैं, बिल्कुल भुला सकते हैं। थर्ड है, प्रॉब्लमेटिक लर्न्ड बिहेवियर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड ओवर टाइम। जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है वो टाइम के साथ साथ गायब हो जाता है। मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जो इशू है वो टाइम के साथ साथ चला जाए, बिल्कुल ही गायब हो जाए, रहे ही ना आपके अंदर वो चीज़। तो धीरे धीरे हो जाती है, ठीक हो जाती है। बिहेवियरल थेरापेटिक अप्रोचेस कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तीन इन्होंने अप्रोचेस के बारे में बात किया है। एक है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, दूसरा है एवर्जन थेरेपी, एंड तीसरा है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। ये तीन तीन बताए हैं अप्रोचेस, जिनमें से दो को बताया है इन्होंने यहाँ पे और तीसरा गायब कर दिया गया है। तो हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ये फोबियाज और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ठीक करने में हेल्प होती है इससे, और ये काउंटर कंडीशनिंग से होती है। यानी कि जैसे कि अगर आपको डर लगता है तो आपके डर को भगाने के लिए आप उस डर को सामने रखेंगे और आप उसको रिलैक्स करेंगे उस डर को देखते हुए, तो ऑटोमेटिकली आप, इसको बोलते हैं काउंटर कंडीशनिंग। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जो एंग्जाइटी रिस्पॉन्सेज होते हैं ये एक्वायर्ड होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग से। यानी कि आपने किसी को देखा कि अरे मान लो छिपकली, छिपकली से मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे फोबिया है एक तरह का। एंग्जाइटी और फोबियाज दोनों में ही एक जैसी सिमिलर चीज़ें होती है। आपको पता ही है दोनों के बारे में मैंने बताया था, दोनों सेम चीज़ नहीं है लेकिन सिमिलर फीलिंग अंदर, बॉडी के अंदर सेम सिमिलर चेंजेस आते हैं। सो जैसे कि एंग्जाइटी की अगर बात करें, किसी आप मान लो आपको कल एग्जाम है तो आपको एंग्जाइटी हो रही है, या आपका इंटरव्यू है तो आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो आपका एक्वायर्ड है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाली बात है। यानी कि जब पहली बार आपका इंटरव्यू हुआ, आपने किसी को देखा कि कोई घबरा रहा है, तो अब आप ये सोचोगे अरे यार ये घबरा रहा है, मुझे भी घबराना ही चाहिए, कुछ होगी ऐसी बात घबराने वाली। तो आप सीख गए उस चीज़ को लेके कि भाई जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मुझे ऐसा लगने लगता है, और वो कंसिस्टेंटली चलता गया। अब हमारा गोल ये है कि जब एंग्जाइटी होती है, जब पर्सन एंग्शियस होता है, तो उस एंग्जाइटी को हम रिप्लेस करेंगे रिलैक्सेशन से। ये जो टेक्निक है ये 4 स्टेप की टेक्निक होती है। कि कैसे हम उसको सिखाते हैं, हम पहले उसको बोलते हैं कि जितनी भी एंग्जाइटी क्रिएट करने वाली सिचुएशंस आपको याद आती हैं वो आप लिस्ट डाउन करो और उसको इस तरह से रैंक करो कि जिस सिचुएशन में आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंग्शियस फील करते हो उसको सबसे टॉप पे लिखो, और जिसमें सबसे लीस्ट करते हो उसको सबसे नीचे लिखो। ऐसे करके आप लिस्ट डाउन कर दो, सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ एंग्जाइटी क्रिएट करने वाली, फिर उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, ऐसे सबसे थोड़ी, सबसे कम, इस तरह से। अब जो थेरेपिस्ट है वो इंडिविजुअल को ट्रेन करता है कि कैसे उसको डीप मसल रिलैक्सेशन करना है, उसकी पूरी प्रोसेस होती है कैसे करते हैं इसको, तो उसके भी मैं वीडियो बना दूंगी, आपको पता चल जाएगा कैसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल आप ये समझे कि डीप मसल रिलैक्सेशन करना सिखाता है थेरेपिस्ट, सो दैट वो रिलैक्सेशन को क्रिएट हो उनके अंदर, वो अपने आप अंदर उस विल को क्रिएट करना शुरू कर दे। अब जो पेशेंट है उसको इमेजिन करना पड़ेगा हायरार्की, जो हायरार्की मतलब जो लिस्ट बनाई थी उसने एंग्जाइटी वाली, उसके आइटम्स को वन बाय वन करके इमेजिन करना होगा। जिससे सबसे कम एंग्जाइटी होती है उसको सबसे पहले इमेजिन करना है, एंड देन रिलैक्स फील करना है। फिर सबसे फिर थोड़ा और डराने वाली, जब उसको लगता है कि हाँ अब मैं इस सिचुएशन को
कवर अप कर पा रहा हूँ, यानी अब इस एंगजाइटी सिचुएशन से मुझे डर नहीं लगता, एंगजाइटी नहीं होती, उसने रिलैक्सेशन करना सीख लिया, तो अब वो सेकेंड लेवल की एंगजाइटी पे जाएगा जो थोड़ा ज़्यादा एंगजाइटी क्रिएट करती थी। सेम उस सिचुएशन को इमेजिन करके फिर से वो रिलैक्सेशन करेगा। अब इस तरह से धीरे धीरे वो ऊपर स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ेगा, और जिसमें रिलैक्सेशन नहीं होगा उसको दोबारा रिपीट करेगा, दोबारा इमेजिन करेगा। नाउ जब वो इतना कर लेगा तो फोर्थ स्टेप होगा कि उसको रियलिटी से कन्फ्रंट कराया जाएगा, मतलब अब सच में ऐसी सिचुएशन आएगी, अब वो कैसे उस चीज़ को फेस करता है वो हम उसको सिखाते हैं। नाउ सेकेंड टेक्निक जो बिहेवियरल अप्रोच की है वो है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में ये होता है कि हम एवर्जिव स्टिमुलाई को पेयर कर देते हैं उस स्टिमुलस से जो अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स देती है। जैसे कि आप स्मोक करते हो, अगर आप स्मोक करते हो और हम चाहते हैं कि आप स्मोकिंग ना करो, तो हम आपको सपोज मैं आपको करंट शॉक देने लगती हूँ, करंट का शॉक लगता है, आप जैसे ही सिगरेट को मुंह में डालते हो वैसे ही आपको एक करंट का शॉक लगता है और आपको नहीं पता कहाँ पे लगता है, कौन लगाता है, बट आपको लगता है। तो ऑब्वियसली आपको ये एक डिज़ायरेबल चीज़ क्या थी आपकी, स्मोकिंग करना, और उसका स्मोकिंग का डिज़ायरेबल स्टिमुलस क्या था कि आपको बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है स्मोक करने के बाद। लेकिन अगर आप सिगरेट को जैसे ही मुंह में लगाते हो स्मोक करने के लिए वैसे ही आपको शॉक लगता है, शॉक इज एवर्सिव स्टिमुलाई, ऐसी चीज़ जो आपको उल्टा असर डालती है, उसको बोलते हैं काउंटर कंडीशनिंग। तो अब हम काउंटर कंडीशनिंग करते हैं ऐसे का, जैसे कि डॉग्स में भी होता है, जब डॉग्स को हम ट्रेनिंग देते हैं तो एवर्जन थेरेपी से देते हैं, जैसे डॉग्स से जो हमें करवाना है उसके लिए तो हम उसको रीइन्फोर्स कर रहे हैं, उसको कुछ चीज़ी दे देते खाने की। और लेकिन अगर डॉग को गंदी चीज़ छुड़ानी है, मान लो वो पी कर देता है आपके घर के कोनों में जाके, तो आप क्या करोगे, आप उसको मारोगे, आप उसको पनिश करो, उसको खाने को नहीं दोगे, तो वो समझ जाएगा कि भाई अगर मैं यहाँ इस कोने में पी करता हूँ तो मेरे को ये लोग खाने को नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो चीज़ें छोड़ देगा, या आप उसको पीटते हो तो वो उस चीज़ को छोड़ देगा। तो इस तरह से जानवरों को भी हम ट्रेन कराते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर कंडीशनिंग, जो आपको कंडीशन है, आपकी जो हैबिट है उसको चेंज करना, उल्टा कर देना। तो थेरेपिस्ट जो है वो निगेटिव स्टिमुलस को अटैच कर देते हैं ऐसी स्टिमुलस से जो पेशेंट के अंदर से हम हटाना चाहते हैं। सो जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं या अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं उनके केस में ऐसा किया जाता है कि उनकी इस चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ मिला दी जाती है, ऐसी टेबलेट मिला दी जाती है ड्रग्स में या फिर अल्कोहल में, कि जब वो पीते हैं तो उनको नौशिया फील होता है, वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तो अब वो जो ड्रग जो करता था इंसान के अंदर जो टेस्ट पहले उसको आता था वो नहीं आएगा, उसको नौशिया लगेगा तो वो छोड़ देगा, उसको मुँह में डालते ही साथ उसको वैसा वाला टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक, लेकिन ये जो एवर्सिव वाला स्टिमुलस है ये लास्ट ऑप्शन होता है बिहेवियरल थेरेपी में, क्योंकि ये बहुत अनप्लीसेंट होता है, ये जनरली जब हम यूज़ करते हैं तो दूसरी थेरेपीज के साथ में यूज़ करते हैं और लास्ट ऑप्शन ही रख के करते हैं। इन्होंने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी पता नहीं क्यों बीच में घुसा दी है, लेकिन इसके बारे में भी अब बताया है तो मैं बता देती हूँ। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो है ये इसमें मेन ध्यान ये रखा जाता है कि जो पेशेंट है वो रहे जो वो है। तो थेरेपी की ये थेरेपी टेक्निक है पर्सन सेंटर थेरेपी में, जो थेरेपिस्ट है वो एक कंफर्टेबल नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट बनाता है पेशेंट के साथ, जिसमें वो जेन्यून रहता है पेशेंट के साथ, एम्पैथेटिक रहता है, उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देता है पेशेंट को, और ये नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है, यानी कि जो थेरेपिस्ट है वो उसको ये नहीं बोलेगा कि अब तुम ऐसा करो, अब जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही सोचो, ये सब नहीं करना है, या फिर मैं तुम्हें सॉल्यूशन बता देता हूँ, ये सब नहीं होता पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में। ये सिर्फ पेशेंट को हेल्प करने के लिए है कि वो अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस खुद निकाल सके, इस इंटेंशन से पर्सन सेंटर्ड थेरेपी चलाई जाती है। अगर थेरेपिस्ट को फिर भी एड करना है पेशेंट को तो डिसीजन मेकिंग में, तो इस तरीके से कर सकते हैं कि जब पेशेंट है ना बड़ा उसको ये लग रहा है, पेशेंट को बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, वो खुद अपने आप को अपनी लाइफ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा, तो थेरेपिस्ट कोई आंसर नहीं प्रोवाइड करेगा लेकिन पेशेंट को कंक्लूजन तक पहुँचने में हेल्प करेगा। जो थेरेपिस्ट है कोई क्वेश्चंस नहीं करता इसमें, ये बिल्कुल पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में अवॉइड किया जाता है कि थेरेपिस्ट कभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा पर्सन सेंटर्ड सेशंस में। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट का पर्सनल ग्रोथ है ना ये रुकने लगती है, और वो जो गोल होता है थेरेपी का वो भी अचीव नहीं हो पाता। सो जो पेशेंट, अगर पेशेंट
ये वाली चीज़ परसीव कर लेता है कि थेरेपिस्ट उसको सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है, तो जो थेरापेटिक चेंज पेशेंट में आता है वो ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो पर्सनल ग्रोथ होगी उसकी वो भी आसानी से हो जाएगी, और वो हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाएगा। उसको पता चलेगा उसकी लाइफ का एम क्या है, वो क्या बनना चाहता है, उसको क्या जीवन से क्या चाहिए। नाउ कमिंग टू गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी जो है ये करंट डे लाइफ पे ज़्यादा जोर देती है, मतलब अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है उस पे जोर देती है, और उस इंसान की पूरी पर्सनालिटी को ओवरऑल देखती है ये वाली थेरेपी। और ज़्यादातर जो पीपल होते हैं जिनको गेस्टाल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स हैं, मतलब ऐसी फीलिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं उसके लाइफ में, क्योंकि वो खुद को जो समझता है और जो उसकी लाइफ में हो रहा है वो दोनों चीज़ें अलग हैं, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए होते हैं। सो ये जो मेथड है साइकोथेरेपी का, ये हेल्प करता है उस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन को बैलेंस करने में। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं पेशेंट को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक प्रॉपर वे में चलाने में हेल्प करवाते हैं। अगर पेशेंट को के जो बिलीव्स हैं उसमें कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं थेरेपिस्ट को, तो जो पर्सन है वो हमेशा ओवरवेलम्ड रहेगा, हमेशा भावुक रहेगा, बहुत कंफ्यूज्ड रहेगा, और उसके अंदर हमेशा वो है ना नेगेटिविटी की साइड जाएगा, वो पॉजिटिव साइड की नहीं सोचेगा, वो नेगेटिव साइड में जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो हार्मफुल हो सकता है उसके लिए खुद को, और वो हो सकता है खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, अपने वेलबींग को डैमेज करने की कोशिश करे। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये कहती है, जो फ्रेडरिच एस पर्ल्स ने डेवलप की थी, उनका फोकस परसेप्शन के ऊपर था और एज अ होल इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के ऊपर था। ये तभी अटेन हो सकता है जब हम पेशेंट की अवेयरनेस को इंक्रीज कर सके। कैसे इंक्रीज करेंगे, किस बारे में इंक्रीज करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करे, अनएक्नॉलेज्ड जो फीलिंग है उसको एक्नॉलेज करे। मान लीजिए उसके मन में कुछ चल रहा है लेकिन वो उसको ध्यान नहीं दे रहा, तो उस फीलिंग को उसके कॉन्साइंस में लेके आने की कोशिश करेंगे। उसको पेशेंट को की जो पर्सनैलिटी है जिसको वो डिनाई कर रहा था, उसकी पर्सनैलिटी का ऐसा कोई पार्ट था जिसको वो डिनाई कर रहा था, और उससे उसको अवेयर कराएंगे कि भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी का ये पार्ट भी है जिसके ऊपर तुम ध्यान नहीं देते हो। इस तरह से जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट की जो थेरेपी है ये दो चीज़ों को फॉलो करती है, एक ह्यूमनिस्टिक और दूसरी एग्जिस्टेंशियल आस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ों को फॉलो करती है। ये ओरिजिनली जब डेवलप हुई थी तो ये 1940s में डेवलप हुई थी, और पूरा जो गेस्टाल्ट थ्योरी का कंसेप्ट था वो ये बोलता है कि लोग जनरली बहुत अच्छे होते हैं और इनकी जो गुडनेस है वो अपने आप ही डेवलप होने देना चाहिए, और गुडनेस खुद से ही शो होती है, मतलब बाहर निकलती है लोगों के अंदर की गुडनेस। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जब होती हैं तब इंसान फ्रस्ट्रेशंस में चला जाता है, और वो उसकी जो इननेट गुडनेस को जब वो डिनाय करता है तब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आके उसको घेरने लगती हैं। इस बात का हमें ध्यान लगाना है। गेस्टाल थेरेपिस्ट का अगेन अब फोकस क्या होगा, अगर ऐसा है तो हमारा फोकस क्या होगा, हमारा फोकस होगा पर्सन के क्रिएटिव एस्पेक्ट को देखना इंस्टेड ऑफ उसके प्रॉब्लमेटिक पार्ट को देखना। हम उसकी प्रॉब्लम्स को पे ध्यान नहीं देंगे, हम उसकी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे, और जो उसके प्रेजेंट पे ध्यान देंगे, हम उसके पास्ट को खुद कुरेदेंगे नहीं, हम बिल्कुल उसके पास्ट में नहीं जाएंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, जब वो पेशेंट हमारे पास है तब वो क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। अगर समहाउ कभी कभी क्या होता है, पेशेंट बोलते बोलते अपने पास्ट में भी चला जाता है, अपने पास्ट के बारे में भी बोलने लगता है, तो उसके जो पास्ट की बात है उसको भी हम प्रेजेंट में फिर लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, जब भी आप ऐसे सेशंस करते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं करना, आप कभी उससे पेशेंट से यही नहीं पूछेंगे गेस्टाल्ट थेरेपी के टाइम पे वाई वाई वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो डिस्करेज करेगा पेशेंट को। आप उसकी जो पास्ट में क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, ये सब नहीं हमें करना है, और
इससे भागना है आपको, बचना है। सो अभी प्रेजेंट के डिसीजन हम पास्ट को लेकर नहीं ले सकते। तो जो थेरेपिस्ट है इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? जो पेशेंट्स है समटाइम्स वो उनको है ना फोर्स करना पड़ता है, बुली करना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन के डिटेल्स को अपनी अवेयरनेस में नहीं लेके आ पा रहा होता है। तो उसको थोड़ा सा कन्फ्रंट करके बोलना होता है, तुम अभी के बारे में सोचो, थिंक अबाउट द प्रेजेंट, ऐसे करके, तब जाके वो समझता है बात को। सो जब वो अवेयरनेस पे आ जाता है तब वो इस थेरेपी का ज्यादा यूटिलाइज कर पाएगा। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर टेक्निक है इसमें, जिसको बोलते हैं एम्प्टी चेयर टेक्निक। इस एम्प्टी चेयर टेक्निक में पेशेंट को पेशेंट जो है उस एम्प्टी चेयर की तरफ देखता है और उस चेयर पे बैठे हुए उस इंसान को इमेजिन करता है जिसके साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, और फिर वो उसे अपने कॉन्साइंस में ला के उस चीज़ को उस एम्प्टी चेयर से बात करता है, उससे डिस्कस करता है, ऐसी चीज़ें बोलता है जिसे उसने आवाज तक उन थॉट्स को अनएक्सेप्टेड थॉट थे, मतलब जिन थॉट्स को उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस तरह से जो पेशेंट जो होगा वो अपने अंदर की चीज़ों को प्रोजेक्ट करना शुरू करेगा। जब पेशेंट अपने इन चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा तो बहुत सारे जो हैवी पना उसके अंदर था वो निकल जाएगा। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि एक पेशेंट है जिसकी अनरिजॉल्व फीलिंग्स थी अपने पेरेंट्स की अर्ली डेथ को लेकर, तो वो पेशेंट को गेस्टाल्ट थेरेपी के टाइम पे एम्प्टी चेयर के सामने बिठाएंगे और इस तरह से बिठाएंगे कि वो उस एम्प्टी चेयर की तरफ फेस करेगा और उस चेयर पे उसके डेड पेरेंट्स बैठे हैं इस तरह से, और वो जो पेशेंट है वो कॉन्शियसली उस चेयर को फेस करते हुए अपने अनरिजॉल्व फीलिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो अपने पेरेंट्स की तरफ निकालेगा। उसको बोलते हैं एम्प्टी चेयर टेक्निक। नाउ जो गोल है गेस्टाल्ट थेरेपी का वो क्या है, क्या कैसे हेल्प करता है? वो पेशेंट को हेल्प करता है समझने में खुद की नीड्स को, अपनी नीड्स को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है, अपने फियर्स को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। उसकी अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है कि कैसे वो अपने गोल तक पहुंचेगा और कैसे वो अपनी नीड्स का ध्यान रखेगा। और जो गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट होते हैं वो स्ट्राइव करते हैं कि पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो अपना नॉन जज वर्ल्ड की तरफ जो जबी भी देखे, दुनिया को जबी भी देखे तो नॉन जजमेंटल वे में देखे, हमेशा लोगों को जज ना करे पेशेंट कि भाई ये दुनिया बुरी है, ये लोग बुरे हैं, ऐसा करके ना देखे, दुनिया को हमेशा नॉन जजमेंटल वे में देखे। ये गेस्टाल्ट थेरेपी की एक अप्रोच होती है। और कंसंट्रेशन किस बात पे होता है? हमारा हेयर एंड नाउ पे, मतलब तुम्हें अभी इस मोमेंट में क्या है उस पर ध्यान लगाना है। पेशेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने एक्शन के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, और उसके एंड रिजल्ट क्या होंगे उसके एक्शन और बिहेवियर के लिए, उसके लिए भी पेशेंट को समझाया जाता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, इसीलिए आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको फिर मेरे लाइव सेशंस का पता नहीं चलेगा और नए वीडियोस कब आते हैं वो भी नहीं पता चलेगा। सो आई होप ये वीडियोस यूजफुल हैं, अगर हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें सो दैट सबको इसकी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।